हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए यहाँ पे मनी मेकिंग टिप्स और ट्रिक्स लेके आता हूँ कि आपको मैं बताता हूँ आप एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग, ड्रॉप शिपिंग, इसके अलावा मैं और भी आपके लिए फ्री रिसोर्सेज, फ्री टिप्स और ट्रिक्स लेके आता हूँ कि आप कहीं ना कहीं से एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। आज का वीडियो भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि आप गूगल के थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये गूगल है, तो गूगल से और गूगल के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके थ्रू आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि $500 आप पर डे की अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना एक काम है कि आपको पूरा प्रोसेस समझना है, पूरा वीडियो देखना है, आपको कोई चीज मिस नहीं करना है और चीजें फॉलो कीजिए। फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल एवीएस टेक अनंत बसवानी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब चलते हैं हम वेबसाइट पे और देखते हैं कि कैसे आपको अर्निंग करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने गूगल ओपन करके रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सिंपल से लिखना है हाउ टू लूज वेट, ये हमने यहाँ पे सर्च किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू लूज वेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी इन्होंने दिखा दिया कि हाउ टू लूज वेट, साथ में हाउ टू लूज वेट फास्ट, नेचुरली, विदाउट एक्सरसाइज। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल के लिए यही ले लिया करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं। अब आपको यहां से कोई भी एक इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल ले लेना है जो कि आपको पसंद आए या जो आपको कंटेंट अच्छा लग जाए। तो यहां पे मान लीजिए ये जो कंटेंट है फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ऑब्वियसली ये कंटेंट थोड़ा सा अच्छा होगा, हम इसको ही ओपन करके देख लिया करते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं इन्होंने पूरा प्रोसेस वगैरह बताया हुआ है। आप चाहें तो इस पूरे ब्लॉग को भी यूज कर सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे इन्होंने लिंक्स देके रखी हैं, तो आप अगर चाहें तो इसका विदाउट लिंक का आप यूज कर लीजिए या फिर आप चाहें तो आप कोई और ब्लॉग भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसी को यूज कर लिया करते हैं। यहाँ पे एक और गूगल प्रोडक्ट की हमको जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है गूगल साइट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं sites.google.com/new, ये मैंने ओपन करके रखा हुआ है। आपको यहाँ पे सिंपल सा आप ये कुछ टेम्पलेट भी देख सकते हैं और बाकी अगर आप चाहें तो ये प्रीबिल्ट भी कर सकते हैं और ब्लैंक भी आप कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल के लिए प्रीबिल्ट ले लिया करते हैं। तो आप इनमें से जो भी आपको पसंद आ जाए देख लेना। मैं अभी फिलहाल के लिए रेस्टोरेंट ले लिया करता हूँ, तो मैंने इस पे किया क्लिक और अब बस आपको इसको थोड़ा सा एडिट करना है। जो भी चीज आपको नहीं चाहिए है वो आप हटा सकते हैं और सिंपल सा आपको इसको एडिट करना है और ये बाकी सब मेनू वगैरह भी आप हटा देना, इनकी आपको जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको होम ही यहाँ पे रखना है बस। तो अभी जो आपको ये रेस्टोरेंट नेम दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए जो भी आपको एक इंटरेस्टिंग सा नाम लगे। अभी मैं फिलहाल के लिए ये एक नाम ले लिया करता हूँ, एनीवन कैन लूज वेट, और आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई और नाम भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पे एक शॉर्ट लाइन अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, बाकी आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसको फिलहाल रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे आपको एक लिंक डालनी है, वो लिंक आप यहाँ पे भी डालिए और एक लिंक आपको नीचे भी डालना है। तो यहाँ पे लिंक हो गई और साथ में आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखिए। तो टेक्स्ट आपको क्या चाहिए है, तो टेक्स्ट आपको सिंपल से यही रखना है जो भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं। तो सिंपल सा मैंने ये चीज यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी टाइप से आप चाहे तो ये पूरा का पूरा ब्लॉग आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। तो मैंने यहाँ से ये पूरा का पूरा ब्लॉग मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन रहेंगे कि क्या आपको कॉपीराइट स्ट्राइक इस टाइप का कुछ आ सकता है। तो हाँ, ये चीज आ सकती है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पे सोर्स लिख दीजिए, जहां से भी आपने सोर्स लिया है तो आप यहाँ पे सिंपल सा सोर्स लिख दीजिए और यहाँ पे जो इनके ब्लॉग की लिंक है वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे इस चीज का इतना इशू नहीं होगा। एक तो ये आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आप काम क्या कर सकते हैं कि ये जो भी कंटेंट है आप इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और एक ये टूल है, ये टूल एक बहुत शानदार टूल है, इसका नाम है क्विलबोट। आप इसका यूज करके आप सिंपल सा यहाँ पे पेस्ट कीजिए और आप यहाँ पे पैराफ्रेस कीजिए और अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कंटेंट है इसको इसने स्पिन कर दिया। और स्पिन के साथ में एक और इस टूल की एक खास बात है कि ये जो है ये रीडेबल कंटेंट रहेगा। तो आप चाहे तो इस टाइप से भी कर सकते हैं कि ये जो है ये इतना यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, ये जो आपने बनाया हुआ इसको कॉपी कर लीजिए एंड देन आप यहाँ पे इसको एड कर दीजिए। और इसके अलावा जो यहाँ पे हेडिंग वगैरह
वगैरह थी वो सारी चीजें आपको एज इट इज रखना है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चीज थी ये इसी टाइप से थी, तो इस टाइप से आप ये सारी चीजें बना दीजिए और इस टाइप से आपको पूरा ब्लॉग यहाँ पे रेडी कर लेना है। और साथ ही जो भी यहाँ पे लिंक्स दी हुई है ये सारी लिंक्स आपको रिमूव कर देना है। जो भी आपको यहाँ पे लिंक्स दिखाई दे रही ये सारी लिंक्स आपको यहाँ से रिमूव कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ से सभी जगह से लिंक्स को रिमूव कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं A to Z सारी लिंक्स मैंने यहाँ पे हटा दी हैं। और भी आपको जो भी अगर किसी आप ऐसा ब्लॉग यूज करते हैं जहाँ पे ज्यादा लिंक है या कम है तो वो सारी लिंक्स आपको हटा देनी है, ठीक है। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूरा ब्लॉग हमारा रेडी हो गया और जहां जहां भी फॉर्मेटिंग की जरूरत है वो फॉर्मेटिंग आप कर लेना, क्योंकि आपका जो ब्लॉग है वो प्रोफेशनल भी दिखना चाहिए, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A to Z सारी चीजें हो गई हैं और जो भी चीजें हैं जैसे ये फॉन्ट अलग अलग हो गए हैं, तो ये सारी चीजें आपको ठीक से कर लेना है। अब इसके बाद आपको एक दो इमेजेस भी यहाँ पे यूज करना है, तो जैसे जो ये वाली इमेज है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे न्यू इमेज भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम एक न्यू इमेज यहाँ पे डाल दिया करते हैं, तो जो आपको ये आइकॉन दिखाई दे रहा है इमेज वाला आइकॉन, आप यहाँ पे देख लीजिए साइड में एक इमेज वाला आइकॉन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इमेज वाला बॉक्स आ गया, आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे आपको अपलोड करना है। लेकिन अपलोड करने के लिए आपको एक इमेज की जरूरत है, तो इमेज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ये है pixel.com। तो pixel.com में क्या होता है स्टॉक फ्री इमेजेस आपको मिल जाती हैं और यहाँ पे आपको सारी इमेजेस आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल सा सर्च किया है वेट लॉस, आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी इमेजेस है, जो भी इमेज आपको लगता है वो इमेज आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी इमेज लगता है, मान लीजिए ये इमेज मुझे थोड़ा सा ठीक दिखाई दे रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे साइज वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज करके और इसको फ्री में डाउनलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज आपकी डाउनलोड हो गई, देन आपको जाना है अपने ब्लॉग में और यहाँ पे आपको प्लस करके और अपलोड करना है, और जहां भी आपने इमेज को डाउनलोड किया है वहां से आपकी इमेज यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इमेज आ गई, और अगर ये छोटी बड़ी होती है आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज हमारी परफेक्ट आ गई। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉग आ गया। अब आपको क्या करना है, बीच बीच में आपको अपनी एक लिंक देनी है, यहाँ पे आपको एक एफिलिएट नेटवर्क का यूज करना है। तो एफिलिएट नेटवर्क जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है DigiStore24। ये एक ऐसा एफिलिएट नेटवर्क है जहां से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले आना है DigiStore24 में, एंड देन आपको मार्केट प्लेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आ गए हम मार्केट प्लेस पे, और मार्केट प्लेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पे जाना है हेल्थ एंड फिटनेस वाले पे, आपको सिंपल सा हेल्थ एंड फिटनेस पे जाना है, और यहाँ पे आपको एक ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है जो कि ज्यादा कॉस्टली भी ना हो और उसमें आपका कमीशन ज्यादा हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तकरीबन $60 का एक प्रोडक्ट है और आपको इस पे 80% कमीशन मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं $28.71 आपको कमीशन मिलेगा। अगर ये करते हैं आपको इस पे 50% मिल रहा है, आप यहाँ पे बाकी में भी देख सकते हैं इसमें भी आपको 50% कमीशन मिल रहा है। तो ऐसा प्रोडक्ट आपको चूज करना है कि जिसमें आपको कमीशन अच्छा मिले और उसकी कॉस्ट ज्यादा ना हो। तो यहाँ पे आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल के लिए हम यही ले लिया करते हैं, मान लीजिए $57 का है, और आपको सिंपल सा यहाँ पे प्रमोट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी, सिंपल सा आपको इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और एक तो सबसे पहले जहाँ पे रिजर्वेशन लिखा हुआ था इसको आपको एडिट कर देना है। रिजर्वेशन की जगह पे आपको लिख देना है गेट इंस्टेंट एक्सेस, और जो आपको नीचे लिंक दिखाई दे रही है इस लिंक की जगह पे आपको वो लिंक एड कर देनी है जो भी आपकी एफिलिएट लिंक है, एंड देन आपको इसको अपडेट कर देना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस टाइप से आ गया। आप चाहें तो इस बटन को थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं और आप एकदम सेंटर में इसको लेके आ जाइए, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप से बन गया। इसी टाइप से आप चाहें तो एक दो लिंक और इसमें आप ऐड कर दीजिए, बीच में कहीं भी एक जगह ऐड कर दीजिए, यहां पे भी आप लिख दीजिए गेट इंस्टेंट एक्सेस, और आप चाहें तो यहां पे थोड़ा सा और आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा लूज वेट फास्ट और गेट इंस्टेंट एक्सेस, और यहां पे आपको अपनी लिंक लगा देनी है। तो जैसे आप यहां पे देख सकते हैं ये लिंक का बटन दिखाई दे रहा है, इंसर्ट लिंक, और जो भी आपकी लिंक है वो लिंक आपको यहां पे पेस्ट कर देना है। तो जैसे मैंने यहां पे लिंक पेस्ट की और मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया, तो आप
आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा आ गया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, इसके फॉन्ट आप थोड़े से बड़े कर दीजिए ताकि ये लोगों के लिए अलग से दिखाई दे, क्योंकि आपको ये चीज जो है वो ज्यादातर लोगों को दिखाना है। और आप चाहें तो इसके कलर वगैरह आपको लगता है तो कलर वगैरह भी आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो लोगों के लिए ये चीज ज्यादा दिखाई देगी। एक बार आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, एक बार आप इसको लास्ट में ऐड कर दीजिए। तो एक बार हमारा यहाँ पे भी ऐड हमने कर दिया तो दो जगह ये चीज हमारी ऐड हो गई। और जो ये लिंक है ये आपको सबसे लास्ट में डालना है, ये जो लिंक है ये यहाँ से हटा दीजिए अभी फिलहाल और सबसे लास्ट में इसको आप कहीं पे ऐड कर दीजिए, जैसे जो ये दिखाई दे रहा है इसकी जगह पे ही आप इसको ऐड कर दीजिए। और इसके फॉन्ट आपको एकदम छोटे कर देना है ताकि लोगों के लिए कम दिखाई दे। और इसके अलावा जो भी पैराग्राफ वगैरह आपको नहीं चाहिए है वो सारे आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। तो जो भी आपको ये बाकी की चीजें दिखाई दे रही है ये बाकी की चीजें आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आप यहाँ से हटा देना और यहाँ पे हमारी साइट बनके तैयार हो गई। और साथ ही जो ये मेनू यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मेनू भी आप यहाँ से चेंज कर देना। पेजेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो भी पेजेस वगैरह हैं ये सारे पेजेस आपको डिलीट कर देना है क्योंकि इन सब की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तभी ये सारे पेजेस आएंगे, अदरवाइज आपके लिए ये सारे पेजेस यहाँ पे नहीं आएंगे। तो अभी मैंने इसका नेम भी चेंज कर दिया है, वेट लॉस फास्ट करके मैंने इसका नेम चेंज कर दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ए टू जेड सारी चीजें जो भी अनवांटेड चीजें थी वो सारी मैंने हटा दी हैं। आप चाहें तो ये जो चीज है ये जो टेक्स्ट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है आप चाहें तो इसको आप सेंटर में भी कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग आप पे डिपेंड करती है कि जो भी चीज आपको जैसे लगता है, फॉर्मेटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, चीजें एकदम सही तरीके से दिखाई देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको कर लेना है और आपकी वेबसाइट यहाँ पे तैयार हो गई और आपको यहाँ पे पब्लिश कर देना है। पब्लिश के बाद आपको एक यहाँ पे नेम देना पड़ेगा, तो जो भी आपके लिए नेम मिल जाए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक कस्टम नेम भी यहाँ पे डाल दिया है और ये जो लिंक है ये आपकी वेबसाइट की लिंक है। देन आप इसको पब्लिश कर दीजिए और आपकी साइट यहाँ पे लाइव हो गई। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि अभी आपकी कैसे दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए टू जेड आपकी सारी चीजें यहाँ पे बन के तैयार हो गई। अगर कोई इस पे क्लिक करेगा वो जाएगा सीधा आपके इस प्रोडक्ट पे, जैसे मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा दिया करता हूँ। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी वो प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट पे यहाँ पे आ गया बंदा। तो ये काम आपको इतना करना है। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट चीज रहेगी कि आप यहाँ से अर्निंग कैसे करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपने साइट बना दी लेकिन जब तक आप इसको प्रमोट नहीं करोगे तब तक इस पे क्लिक कौन करेगा। प्रमोट करने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे ट्विटर का यूज कर सकते हैं। ट्विटर में मैंने सिंपल सा सर्च किया है हाउ टू लूज वेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पे ब्लॉग्स आ गए, या कहा जाए तो जो भी लोगों ने पोस्ट किया हुआ है वो यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स यहाँ पे सर्च करने पड़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा किया लूज वेट, और अगर कोई यहाँ पे आई वॉन्ट टू लूज वेट, तो इस टाइप से आपको कुछ टर्म्स यहाँ पे सर्च करने पड़ेंगे कि जिन लोगों ने भी ये इस टाइप की पोस्ट की है आप उनके लिए रिप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 लोगों ने इनके लिए रिप्लाई किया है। आप भी यहाँ पे सिंपल सा इनको रिप्लाई कर सकते हैं कि आप इस टाइप से वेट को लूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा एक मैसेज छोटा सा टाइप कर देना है कि आई हैव सिंपल 12 टिप्स टू हेल्प यू लूज वेट, और इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी लिंक दे देना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा क्लिक हियर और आपको यहाँ पे एक लिंक दे देनी है। लिंक कौन सी देना है, जो भी आपकी वेबसाइट की लिंक है। तो ये जो है ये आपकी वेबसाइट की लिंक है, आपको सिंपल सा इसको कॉपी कर लेना है और आपको सिंपल सा यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये मैसेज आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, थोड़ा थोड़ा सा आप मैसेज चेंज करते रहिए और सिंपल सा इसी टाइप के मैसेज आपको लोगों को भेजने हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको रिप्लाई कर देना है। और जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है, ये वो लोग हैं जो लोग ऑलरेडी इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे आपके कन्वर्जन होने के ज्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एज मच एज आई वॉन्ट टू लूज वेट I can't stop eating। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐसी चीजें बता सकते हैं कि बिना एक्सरसाइज किए या बिना खाना छोड़े आप किस टाइप से वेट को लॉस कर सकते हैं। जो भी लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आप उनके जवाब दे सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप यहाँ पे जाके सर्च कीजिए हाउ टू लूज वेट। तो जो भी यहाँ पे वेट लॉस फिटनेस से रिलेटेड जो भी ग्रुप्स हैं आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ये जो ग्रुप है आप इसमें देख सकते हैं तकरीबन 64K मेंबर्स है, इसमें 26K मेंबर्स है,
इसमें 4.4K, 41K, आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे ग्रुप्स हैं, आपको इन सभी ग्रुप्स को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे इन ग्रुप्स में पोस्ट करना है। तो जो भी ये ग्रुप है सिंपल सा यहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज अपना टाइप कर देना है, जो भी आपका मैसेज था वो इस टाइप का मैसेज आपको टाइप करना है और सिंपल सा आपको पोस्ट कर देना है, ठीक है। ये सिर्फ आप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना प्रोसेस आपको करना है कि सबसे पहले आपको एक ब्लॉग देखना है, जो भी ब्लॉग आपको लगता है अच्छा सा कंटेंट लिखना है, उस कंटेंट के थ्रू आपको एक वेबसाइट बनानी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप की आप एक वेबसाइट बना लीजिए, और वेबसाइट बनने के बाद आपको उसमें अपनी एक लिंक ऐड कर देनी है। लिंक आप यहाँ से ले सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लग जाता है या जिसमें आपका कमीशन आई हो और प्रोडक्ट भी कॉस्टली ना हो, तो उस टाइप का आपको प्रोडक्ट की लिंक लेके और वो लिंक आपको अपनी वेबसाइट में ऐड कर देना है। इतना सा आपको काम करना है और इससे आपको जरूर अर्निंग होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ $500 आपसे बोला है, अगर आपने इसी काम को अच्छे से कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि $1000 भी आप एक दिन में अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी भी आपके कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों फ्रेंड फैमिली जो लोग भी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं या पैसे कमाना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।